हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 12 में पहले हमें कॉस्ट शीट बनानी है और उसके बाद रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। सो पहले कॉस्ट शीट बना लेते हैं एंड देन रिकंसिलेशन बनाएंगे। ये सम स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन लेक्चर भेजा है, लेक्चर नंबर 1। सो पहले लेक्चर 1 देख लेना, बाद में ये समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। सो पहले हम कॉस्ट शीट बना लेते हैं। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ शिव लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दिया हुआ है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन ऑन स्क्रूटनी ऑफ कॉस्ट अकाउंट। कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें रिकंसिलेशन करना है। तो सबसे पहले जो रियल हो चुका है कॉस्ट शीट में, पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चन में मटेरियल दिया हुआ है 3,50,000, बट मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक यानी वर्क इन प्रोग्रेस में है मटेरियल 25,000। सो 3,50,000 में से 25,000 माइनस करेंगे। सो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में आपके नॉलेज के लिए लिख देता हूँ, 3,50,000 माइनस 25,000। सो आंसर आ गया 3,25,000। ये है मटेरियल। वेजेस 2,40,000 और वेजेस में है 10,000, वर्क इन प्रोग्रेस में वेजेस देखो 10,000 है, तो वेजेस यहाँ पर हम लिखेंगे 2,30,000। अब 2,30,000 प्लस 3,25,000, सो टोटल हो गया 5,55,000, विच इज़ प्राइम कॉस्ट। मटेरियल प्लस वेजेस का जो टोटल हुआ वो हुआ प्राइम कॉस्ट। ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि नीचे देखिए, फर्स्ट पॉइंट पर दिया हुआ है मटेरियल एंड वेजेस आर चार्ज्ड एट एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट पर मटेरियल एंड वेजेस लेने हैं। अब यह हो गया प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लिख सकते हैं या फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है फैक्ट्री एक्सपेंस हैव बीन एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन एट 50% ऑफ वेजेस। वेजेस का 50% होगा। तो सामने देखिए वेजेस कितने हैं, 2,30,000। अब 2,30,000 का 50% करेंगे, 50% मीन्स हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 1,15,000। सो 1,15,000 प्लस 5,55,000, तो ये आंसर हो गया 6,70,000। और ये जो 6,70,000 है इसे हम कहेंगे वर्क कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट। अब फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड होने के बाद जो नेक्स्ट ऐड होता है उसे हम कहते हैं एडमिन। यहाँ पर हम लिखेंगे एडमिन ओवरहेड्स या एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन और ऑफिस, इन दोनों की मीनिंग सेम होती है। एडमिन एक्सपेंसेस या एडमिन ओवरहेड्स या ऑफिस एक्सपेंस या ऑफिस ओवरहेड्स। यहाँ दिया हुआ है नीचे थर्ड एडजस्टमेंट में कि जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो वर्क कॉस्ट का 10% है। वर्क कॉस्ट है 6,70,000 और उसका 10%, तो 6,70,000 का 10% करेंगे तो आंसर आएगा 67,000। और 670 प्लस 67,000, सो आंसर आ जाएगा 7,37,000। इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारा आंसर हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आगे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, सेल्स एक्सपेंस हैव बीन चार्ज्ड एट 5 पर यूनिट ऑन यूनिट सोल्ड। जितने यूनिट सेल हुए हैं उस पर 5 पर यूनिट। अब यूनिट सेल कितने हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए सेल्स में दिया हुआ है 2,000 यूनिट्स, ठीक है, और इन्होंने प्रोडक्शन कितना किया है। सो 2,000 यूनिट्स का
इनका जो सेल है और 500 यूनिट्स का फिनिश्ड स्टॉक है। अब आप ध्यान से समझिए, सपोज कीजिए हम ये पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि आज के प्रोडक्शन में से 2000 यूनिट सेल हो गए और 500 और बचे हुए पड़े हैं। 2000 सेल हो गए और 500 और बचे हुए पड़े हैं, इसका मतलब है कि हमने प्रोडक्शन 2500 का किया होगा। 2500 में से क्लोजिंग स्टॉक है 500 का, सो क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पर माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और वो जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होगा वो होगा 7,37,000। ये जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है इसे डिवाइड करेंगे 2500 यूनिट से, क्योंकि हमने टोटल 2500 यूनिट्स बनाए हैं और उसमें से 500 का स्टॉक बच गया। ठीक है, सो 7,37,000 डिवाइड बाय 2500, तो पर यूनिट हुआ 294.8। इंटू 500 करेंगे सो 1,47,400 का स्टॉक हमारे पास बच गया। सो ये माइनस करेंगे 7,37,000 में से, तो आंसर आया 5,89,600। इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ध्यान से समझिए, टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है वो प्रोडक्शन 2500 यूनिट्स का हुआ है, उसमें से 500 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो 2000 यूनिट्स सेल हुए होंगे। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, या इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में एक फॉर्मूला बनाकर दे दूं, तो दैट विल बी सेल्स इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसे कहते हैं सेल्स। सो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है सेल्स 2000 है, ओपनिंग स्टॉक के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है, प्रोडक्शन 2500 एंड फिनिश्ड स्टॉक क्लोजिंग, सो प्रोडक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्शन एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 500 यूनिट्स। ये दोनों नंबर मैंने कहाँ से लिए, ये देखिए ऊपर दिए हुए हैं सेल्स 2000 एंड फिनिश्ड 500 यहाँ से लिए। सो अब प्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, ये 500 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, सो 2000 प्लस 500 इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन। सो अब हमें प्रोडक्शन मिल गया 2500 यूनिट्स, ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ 2000 के प्रोडक्शन में से 500 का स्टॉक है, बाकी 2500 में से 500 का स्टॉक है, बाकी 2000 सेल हो गए। अब ये था क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर दिया। अब यहाँ पर हमें ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, सो सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है कि 5 पर यूनिट। अब सेलिंग एक्सपेंस में 5 पर यूनिट है, तो कितने यूनिट सेल हुए, तो 2000 इंटू 5, सो आंसर विल बी 10,000, और टोटल 589 में 10,000 ऐड करेंगे तो 5,99,600, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट, इसे हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट में हमें सेल दी हुई है, क्वेश्चन में सेल देखो दी हुई है, कितनी दी हुई है सेल, 8,13,000। सो अब अगर टोटल कॉस्ट में जब भी हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो आ जाता है सेल्स। सो सेल्स हमें दिया हुआ है 8,13,000। अब आप मुझे बताइए 8,13,000 का अगर सेल्स है और टोटल कॉस्ट 5,99,600 है, सो 8,13,000 में से 5,99,600 माइनस करेंगे सो 2,13,400 का प्रॉफिट आना चाहिए, 2,13,400, और ये प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट है। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने देखा कि हमने क्या किया है, तो यहाँ तक ये जो कॉस्ट शीट बनाई है, ये कॉस्ट शीट हम लास्ट चैप्टर यूनिट कॉस्टिंग में सीख कर आए हैं, सेम एज इट इज़ बनाई है।
अब हमें करना है रिकंसिलेशन, ये आपके लिए न्यू पॉइंट है। सो रिकंसिलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। ये जो हमारा आंसर आया था, ये जो आंसर आया है 213,400, वो यहाँ पर लिखेंगे। अब हमें ये सोचना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मटेरियल एंड वेजेस सेम थे। अब फैक्ट्री में हमारा कॉस्ट में एस्टिमेट जो था वो 1,15,000 था कि हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,15,000 लगेगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे 1,10,000। ये देखिए, ये जो पीएनएल दिया हुआ है ये रियल एक्सपेंस है, ठीक है। रियल में 1,10,000 हुए और एस्टिमेट था 1,15,000 का। सो 1,15,000 का एस्टिमेट था, 1,10,000 लगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब यहाँ पर जो आपको फैक्ट्री एक्सपेंस दिए हुए हैं 1,10,000, उसके सामने देखो रिजर्व भी पड़ा हुआ है। इट मीन्स 1,10,000 में से 15 के तो बचे, तो 1,10,000 में से 15 माइनस करो पहले, तो 1,10,000 माइनस 15 तो आंसर आएगा 95। अब 95 का एक्सपेंस हुआ और एस्टिमेट था 1,15,000। सो हम करेंगे 1,15,000 माइनस 95,000, सो द आंसर इज 20,000 हमारा सेविंग हो गया। मैं फिर से बता रहा हूँ ये कैसे आया। देखिए, आप बुक में देखिए डेबिट साइड फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखे हुए हैं 1,10,000, ठीक है। उसमें से क्रेडिट साइड 15,000, इसका मतलब इतना तो अभी WIP वर्क इन प्रोग्रेस में जो स्टॉक है ना उसका 15 हुआ है। सो 1,10,000 माइनस 15 करेंगे तो आंसर आ गया 95। ये हमारा एक्चुअल एक्सपेंस है, ये एक्चुअल एक्सपेंस 95 हुआ है और हमारा एस्टिमेट था 115 होगा। सो 115 एस्टिमेटेड था और हुआ 95, तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया ना। हमारा अंदाजा था 1,15,000 लगेंगे लेकिन रियल में लगे 95,000, तो 20,000 का सेविंग हो गया। अब फैक्ट्री के बाद हम सेम लिखेंगे एडमिन ओवरहेड्स। अब एडमिन एक्सपेंस में एस्टिमेट था 67, एस्टिमेट 67 था और देखो ऑफिस एक्सपेंस लगे कितने 70। अब अंदाजा था कि 67,000 खर्चा होगा, 67,000 का खर्चा होगा, रियल में एक्सपेंस हो गया 70, तो ये 3,000 का लॉस हो गया, इसलिए लेस में लिख रहा हूँ। अगर प्रॉफिट है तो ऐड में लिखेंगे, लॉस है तो लेस में लिख देंगे, क्लियर। देन सेलिंग एक्सपेंस एस्टिमेट था 10,000 लगेगा। अब हम बुक में देख लेते हैं सेलिंग एक्सपेंस कितना लगा, तो सेलिंग एक्सपेंस लगा है 15,000। सो अंदाजा था 10 लगना चाहिए और लगा 15। सो 10,000 माइनस 15,000, सो 5,000 का लॉस हो गया। हमें लगा 10,000 सेलिंग एक्सपेंस में काम चल जाएगा बट रियल में लगे 15, तो 5,000 का लॉस हो गया। अब इसके बाद हम ऐसी कोई इनकम देखेंगे, ऐसी कोई इनकम पीएनएल में है जो हमने कॉस्ट शीट में नहीं लिखी थी, तो डिविडेंड रिसीव्ड कॉस्ट शीट में कभी भी नहीं आता है, मिला है इनकम हुई है तो 20,000 यहाँ पर लिख देंगे। देन रेंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इनकम में लिख देंगे। अब ऐसा कोई एक्सपेंस है क्या कि जो हमने पीएनएल में लिखा है बट कॉस्ट शीट में नहीं था, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 4,000, रियल में हुए हैं, एस्टिमेट में थे ही नहीं, एस्टिमेट नहीं था, समझो एस्टिमेट में ज़ीरो था और रियल में 4,000 का एक्सपेंस हो गया, तो ये लॉस हो गया। इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स, एस्टिमेट में ज़ीरो था, रियल में 11,000 का हो गया, तो लॉस हो गया। ये एस्टिमेट में था ही नहीं और रियल में एक्सपेंस हो गया, तो ये लॉस हो गया। अब इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक आते हैं।
सो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के लिए मैं आपको कुछ रूल्स लिखवा रहा हूँ, ये रूल्स आप लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है, ये रूल्स आप बाद में लिख लीजिएगा। अब रूल्स में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के दो रूल हैं। क्लोजिंग स्टॉक में है इफ़ कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन PNL देन लॉस हुआ, एंड इफ़ PNL इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट देन प्रॉफिट हुआ, ये आपको याद कर लेने हैं। और ओपनिंग स्टॉक में ऑपोजिट होता है, इफ कॉस्ट इज ग्रेटर देन PNL देन प्रॉफिट, एंड PNL ग्रेटर देन कॉस्ट तो लॉस हुआ। अब इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो था नहीं, सिर्फ क्लोजिंग था। अब कॉस्ट शीट में दिखा रहा है 147,400 और जो PNL है उसमें दिखा रहा है 137,000। तो अब आप बताओ कॉस्ट इज ग्रेटर देन PNL या PNL इज ग्रेटर देन कॉस्ट। फिर से कॉस्ट शीट में है 147,400, PNL में है 137। तो हुआ क्या, क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट की वैल्यू ज़्यादा है, सो कॉस्ट इज ग्रेटर देन PNL। कॉस्ट की वैल्यू अगर PNL से ज़्यादा है तो क्या हो गया, लॉस हो गया। सो कॉस्ट ग्रेटर देन PNL लॉस हुआ, तो वो लॉस कितना हुआ, 147,400 माइनस PNL में है 137,000। सो माइनस करेंगे 147,400 माइनस 137,000, सो 10,400। ओके, सो नाउ 20,000 प्लस 20 प्लस 5 45 एंड 3,000 10,400 5,000 4,000 एंड 11,000, सो 33,400। अब 213,400 में प्लस करेंगे 45,000 क्योंकि यहाँ ऐड लिखा था, और माइनस करेंगे 33,400, तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 225,000। अब ये आंसर आपका करेक्ट है या नहीं वो आपको पता चल जाएगा। कैसे, यहाँ पर हम जो स्टार्ट करते हैं 213,400 यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट, जो ये कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट आया, और जो ये आंसर आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट एज पर PNL। आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में PNL में यहाँ पर देखिए 225,000 दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा एज पर PNL। सो यहाँ पर हम फाइनली स्टेटमेंट में सामने लिखेंगे प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, मैं फिर से बता दूँ हमने किया क्या, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कॉस्ट शीट बनाई, ठीक है, कॉस्ट शीट यानी एस्टिमेटेड एक्सपेंस होते हैं। फिर हमने ये प्रोडक्शन किया, रियल में प्रोडक्शन किया। अब रियल में प्रोडक्शन किया तो रियल एक्सपेंस आ गए, ये जो PNL में है ये रियल एक्सपेंस है। अब रियल एक्सपेंस आने के बाद क्या किया, हमने रिकन्सिलेशन किया। रिकन्सिलेशन यानी चेक किया कि एस्टिमेट में कितना था और रियल में कितना हुआ। जैसे एडमिन एक्सपेंस एस्टिमेट था 67,000 का, रियल में हुआ 70,000 का, तो ये तो लॉस हो गया, ठीक है। सो ऐसे करके हमने ये देखा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस में लॉस हुआ है और कौन कौन से एक्सपेंसेस में प्रॉफिट हुआ। दूसरा, ऐसी कोई इनकम थी जो एस्टिमेटेड नहीं थी बट रियल में हुई, सो डिविडेंड हमने यहाँ लिखी नहीं थी बट हुआ, इसलिए ऐड में लिखा। रेंट यहाँ लिखा नहीं था, रियल में मिला, इसलिए ऐड में लिखा। सो ऐसे कुछ भी एक्सपेंसेस जो एस्टिमेट ही नहीं थे बट रियल में हुए, एक्सपेंस है तो माइनस में, इनकम है तो प्लस में, और फाइनली हमने इनका टोटल किया और हमें प्रॉफिट एज पर PNL आ जाएगा। सो होपफुली स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। हम और आगे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, बट मैं वंस अगेन आपको रिमाइंड करवा दूँ कि ये जो है, ये जो कॉस्ट शीट है, ये कॉस्ट शीट आपको आनी चाहिए, इसलिए आपको पहले वाला चैप्टर यूनिट कॉस्टिंग अच्छे से देखना है। ये अभी मैंने आपको सेकंड लेक्चर ले रहा हूँ, आपने फर्स्ट लेक्चर देखा, सेकंड लेक्चर देखा,
अब थर्ड लेक्चर में मैं जो सम आपको करवाने वाला हूँ वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है, मिस मत करना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड थर्ड नंबर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है जिसमें आपके थर्ड लेक्चर में जो मैं लूँगा जिसमें आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18। देखिए मैंने फॉर्मेट भी बनाकर रखा है एंड जस्ट मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा उसे, ठीक है। सो ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।